subscribe quick news, press the bell icon and never miss an update. ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल से चूकने के बाद भारत के स्टार रेसलर बजरंग पुनिया आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए कजाकिस्तान के रेसलर दौलत नियाज़बेकोव से भिड़े। बजरंग पुनिया ने पहले दो मिनट में शानदार आक्रामकता दिखाई और डिफेंस के साथ दंगल किया, दो पॉइंट लेने में कामयाब रहे। ऐसा लग रहा था बजरंग सेमीफाइनल में मिली हार के बाद काफी निराश हुए हैं और अपना सारा दम ब्रॉन्ज मेडल के लिए लगाने वाले हैं। मैच के पहले उन्होंने 2-0 से बढ़त बना ली और उसके बाद फिर से मैच शुरू हुआ। दोनों पहलवान ने एक दूसरे को जमकर टक्कर दी। ऐसा लग रहा था कि कजाकिस्तान के पहलवान जोरदार कोशिश कर रहे थे मैच में वापसी के लिए, लेकिन बजरंग ने वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और ब्रेक के बाद फिर से दो पॉइंट ले लिए। उसके बाद जब लगने वाला था कि बजरंग 4-0 से जीतने वाले हैं, तभी बजरंग ने कजाकिस्तान के पहलवान की कमर तोड़ दी और बैक टू बैक और 4 पॉइंट्स लेकर 8-0 से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया।